तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं श्याम कुमार एक बार और आ चुका हूं आप लोग के बीच एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपके फोन में गूगल डायलर है तो आप किसी व्यक्ति के कॉल को कैसे रिकॉर्ड करोगे दोस्तों। क्योंकि गूगल डायलर के केस में ऐसा होता है दोस्तों कि जब भी किसी व्यक्ति से आप बात करते हो और चाहते हो कि उसके कॉल के रिकॉर्ड करो, जैसे ही रिकॉर्ड के ऑप्शन पे जाते हो उस व्यक्ति को पता चल जाता है कि आप उसके कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हो। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आप लोगों को इसके लिए एक ऐसा सोल्यूशन लेके आया हूं जिसके बाद आप भी किसी व्यक्ति को कॉल को आसानी से रिकॉर्ड करोगे और उसको पता तक नहीं चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो काफी अमेजिंग होने वाले है दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट देखें ताकि आप भी इस वीडियो के अंदर दिए गए सारे जानकारी को अच्छे से प्राप्त करें और आप भी किसी व्यक्ति को कॉल को रिकॉर्ड करो दोस्तों। तो चलिए लेके चलते आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, वहीं पर आपको बताएंगे कैसे आप किसी व्यक्ति के कॉल को रिकॉर्ड करोगे दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, आ चुका हूँ अब अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको बताऊंगा कैसे आप अपने मोबाइल में किसी भी व्यक्ति को बात करते टाइम आप उसके फोन को आप रिकॉर्ड करोगे और उसको पता तक नहीं चलेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा दोस्तों। उसका नाम है TSELE, कुछ इस प्रकार का नाम है। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे सर्च करते हैं, कुछ इस प्रकार का नाम शो हो रहा। उसके बाद ये वाला एप्लीकेशन आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। तो सिंपली मेरा यहाँ पे डाउनलोड है तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो हो रहा। अब मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ दोस्तों। ओपन करने के बाद यहाँ पे प्रीफर इंजन पे आ जाना है। प्रीफर इंजन पे आते ही आपको TSELE कुछ इस प्रकार का जो भी एप्लीकेशन का नाम था उस पर सेलेक्ट कर लेना, ओके कर देना। ओके करते ही आपको यहाँ पे आपके गूगल डायलर वाले ऑप्शन पे आ जाना है। गूगल डायलर वाले ऑप्शन पे आते ही ऐप इन्फो में आ जाना है। ऐप इन्फो में आते ही आपको यहाँ पे जो भी इसका डाटा था, जो भी स्टोरेज है, इस पर यहाँ पे आना है। स्टोरेज पे आने के बाद क्लियर स्टोरेज कर देना, क्लियर डाटा कर देना दोस्तों। उसके बाद अब जब भी किसी व्यक्ति को कॉल करोगे तो उसको पता तक नहीं चलेगा कि आप उसे कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हो दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा गूगल डायलर तो है, पहले भी मैंने आपको दिखाया था और अभी देख लीजिए। अब मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ अपने कस्टमर केयर को और वहाँ पे आप देखिएगा कि वहाँ पे बोलेगा भी नहीं। यहाँ पे गूगल डायलर को मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कस्टमर केयर के पास कॉल करके कि वो कॉल रिकॉर्ड। दोस्तों यहाँ पे मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर काम इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको परमिशन नहीं दिया कि ये कॉल के ऊपर जाके इसको रिकॉर्ड करे दोस्तों। पर हमारा जो भी सेटिंग था वो सक्सेसफुली वर्क हो चुका है, आप अपने मोबाइल में इसको करके देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसे और सारे वीडियो हम आपके लिए लाते रहे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।